गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास टेंथ का आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स। ये क्लास टेंथ के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब चैप्टर शुरू होता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, तो सबसे पहला जो पढ़ने को मिलता है कि केमिकल रिएक्शंस का कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसे हम पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, तीन चार पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर आप ड्यूरिंग जब भी रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, तो अगर गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस निकलता है, कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, निकल रहा है, एस्केप कर रहा हो, तो हमको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड, अगर मान लें कि कलर में चेंजिंग देखने को मिलता है, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर ड्यूरिंग रिएक्टेंट आपस में जो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो अगर वहाँ पे आपका टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिले, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर में चेंजिंग का मतलब हो रहा है कि मान लीजिए गैस आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ, समझ रहे हैं, ये हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस जो भी है, तो यहाँ पे हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब अगर देखने को मिले केमिकल रिएक्शन, जब मतलब कि जब भी आपस में कोई रिएक्टेंट कोलाइड करता है, जब आप रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करता है, तभी तो केमिकल कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करता है, अगर ये सब चीज़ ऑब्जर्व होता है, जैसे कि मान लें इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज ऑफ स्टेट, तो समझ हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा केमिकल रिएक्शन हुआ। मतलब अच्छा केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ एक इफेक्टिव केमिकल रिएक्शन हुआ। और जब भी इफेक्टिव कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जब भी कोई इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट पार्टिकल के बीच में, तो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म, मतलब कि प्रोडक्ट बना रहा है। तो चलिए, सबसे पहला हम दिखाएंगे आपको आज प्रोडक्ट में, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से आपका गैस का इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान रखें कि आज मैं दिखाऊंगा सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होगा, आपको क्लियर दिखेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, जिसको हम लोग कॉमनली इसको नाम है बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के नाम से जाना जाता है ये। तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कि हम इसका थोड़ा सा मात्रा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ले रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका थोड़ा सा मात्रा मैं ले रहा हूँ। आप भी इस तरह से ले सकते हो, जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाना तो इस तरह से आप कर सकते हो कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को इसमें डालने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूँगा, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आप ध्यान देंगे इस बात को, मेरी बात को, जब भी मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालूँगा, ठीक है, तो आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, आप कुछ ऑब्जर्व जरूर करेंगे, ध्यान देंगे, क्या हो रहा है देखो, देखिए ध्यान देंगे, देखिए कोई चीज़ आपका बबल्स हो रहा है, ध्यान देंगे, बबलिंग सा रहा, क्लियर आपको दिख रहा होगा, कुछ बबल्स आ रहा। तो ये जो बबल्स है ना, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ CO2, इसी रैपिड इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, निकल रहा है, एस्केप कर रहा है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि मतलब कि गैस अगर एस्केप कर रहा है, इट मीन्स है कि आपका रिएक्टेंट पार्टिकल का एक इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब ये है कि ये जो टकराया है, इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब होता है कि अगर ये सही तरीके से टकराया है रिएक्टेंट, तो श्योर ही 100% ये प्रोडक्ट बनाएगा, 100% है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसी बात को बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। इसके मतलब हमारे पास दो रिएक्टेंट आपके सामने था, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया, हमारे पास दो रिएक्टेंट आ गया। और आप जानते हो कि आपस में रिएक्टेंट पार्टिकल जब कोलाइड्स करते हैं इफेक्टिवली, तो एक नए चीज़ का निर्माण होता है जिसको आप बुलाते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ भी क्या हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ।
कैसे पहचाने हम लोग कि गैस का एवोल्यूशन हो रहा था, रैपिड एवोल्यूशन हो रहा है। और ये बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर ये एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, जब आप रिएक्टेंट पार्टिकल्स मिलाते हो आपस में, तब समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। इज इट क्लियर? तो आप चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कैसे कलर चेंज होगा, तो आप समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ, परफॉर्म हुआ। ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं चेंज इन कलर की बात कर रहा हूँ। तो किस तरह से कलर अगर चेंज होता है, तो आपको ये भी समझ जाना है कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुआ। कलर चेंज हुआ तो कलर केमिकल रिएक्शन हुआ। तो चलिए हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से कलर चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए इसी चीज़ का मैं यूज कर रहा हूँ, इसी एक रिएक्टेंट का मैं फर्दर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिएक्टेंट ले लिया है, जो जस्ट वही रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ध्यान देखिए, ये रिएक्टेंट्स मैंने ले लिए। फर्दर आप देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स यहाँ पे मैंने लिया, वही जस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट ही मैंने लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो आप इसके पहले प्रीवियस हम लोग प्रैक्टिकल में देख रहे थे। तो आप देखना कि यहाँ पे एक और रिएक्टेंट को ला रहा हूँ मैं साथ में। एक रिएक्टेंट अगर और साथ में आता है और आपस में कोलाइड करता है, अगर कलर में चेंजिंग आता है, तो आप समझते हो ये लिखा हुआ है कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। तो चलिए एक रिएक्टेंट यहाँ पे है, कुछ ये रिएक्टेंट्स पार्टिकल्स से ध्यान देंगे। अब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं। अब ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करेंगे, तो आपको पता है कि एक नया चीज़ का निर्माण होता है, जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट। लेकिन जब ये कैसे मानेंगे कि प्रोडक्ट बना, तो क्लियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपका कि अगर गैस का एवोल्यूशन हुआ तो प्रोडक्ट बना, कलर चेंज हुआ तो प्रोडक्ट बना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रोडक्ट बना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुआ प्रोडक्ट बना, स्टेट का चेंजिंग हुआ प्रोडक्ट बना। ये सब बातें मेंशन है, आपने पढ़ रखा है। तो चलिए मैं ये दो रिएक्टेंट को आपस में मिलने देता हूँ। ये दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो कि कुछ कलर में चेंजिंग आ रहा है। आप ऑब्जर्व करो कि ये कलर में चेंज ला रहा है, धीरे धीरे पार्टिकल्स नीचे जा रहा है। तो देखिए कलर में चेंजिंग आ रहा है, इसके मतलब ये हुआ, ये जो कलर चेंज हुआ, तो ये भी आपको बताया कि एक नए चीज़ का निर्माण हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ दो रिएक्टेंट के बीच में। अब कलर चेंज का और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए। एक चीज़ मैं और एग्जांपल दूंगा कलर चेंज के विषय पर, तो ध्यान देंगे आप कि मैं इसमें एक इसका, देखिए इसका नाम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, वायलेट कलर का है ये, पोटासियम पर मैंगनेट इसको बोलते हैं, KMnO4 वायलेट कलर का होता है। और इसका क्या होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में दिखता है। अगर आपको दिखाया जाए, आप देख सकते हो इसमें पोटासियम पर मैगनेट है और ये सॉलिड फॉर्म में, ध्यान देंगे। तो मैंने इस पोटासियम पर मैगनेट वायलेट कलर पर्पल कलर सॉल्यूशन को, पर्पल कलर सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे डाला। आप देख रहे हो कि इसके पर्पल कलर है, इसका क्या है, पर्पल कलर है। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक और रिएक्टेंट डाल रहा हूँ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ध्यान नहीं देना कि मैं क्या डाल रहा हूँ इसमें। ये रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट पोटासियम पर मैगनेट था और एक रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पे मैंने इस कंटेनर से उठाया है, इसमें कोई रिएक्टेंट मैंने बना के रखा है। तो इस पर अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो आपको कुछ देखिए चेंजिंग दिखने को मिले, ठीक है, क्या इसके कलर में चेंजिंग हुआ, आप देखेंगे कि इसके कलर में चेंज हो रहा है। अब देखिए वायलेट तो रहा नहीं, ध्यान देंगे, पर्पल तो रहा नहीं, क्लियर देखिए आप कलर में चेंजिंग दिख रहा है। वो जो वायलेट कलर था या पर्पल कलर था, डिसअपीयर हो गया, जैसा ही मैं ये रिएक्टेंट डाला तो वो डिसअपीयर हो गया,
मतलब कि कलर में आपको चेंजिंग दिखने को मिला, तो कलर में चेंज दिखने को मिला, जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे नया चीज़ बना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि या तो अभी मैंने आज आपको दो चीज़ दिखाया है, एक कलर में चेंज और एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चीज़ होता है तो केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स हुए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स कब बनता है जरूर ध्यान रखेंगे। रिएक्टेंट पार्टिकल्स के आपस में कॉलिजन से एक इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, ऐसा टकराने का भी तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से टकराएगा तब जाके वो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलने वाले हैं जल्दी ही, कोई नए आपका